हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 1995 की फिल्म रंगीला के बेस्ट फैक्ट रिव्यू एंड समरी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। रंगीला 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित किया गया है। इसमें आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ ने अभिनय किया है। यह फिल्म ए आर रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें मूल स्कोर और साउंड ट्रैक था, क्योंकि उनकी पिछली हिंदी रिलीज उनकी तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों के डब संस्करण थे। तो इस फिल्म का जो है निर्देशक, निर्माता और लिखित जो है राम गोपाल वर्मा ही है। और इसका निर्देशक किया राम गोपाल वर्मा ने, द्वारा लिखित है नीरज वोरा, संजय छेल संवाद लिखे हैं संजय छेल ने, पटकथा की है राम गोपाल वर्मा ने, कहानी लिखी है राम गोपाल वर्मा ने और उसको निर्मित किया है झामू सुगंध और राम गोपाल वर्मा ने। इस फिल्म में अभिनय किया है आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर, जैकी श्रॉफ ने और इस फिल्म का जो है छायांकन तैयार किया है WB राव ने, इसको संपादित किया है ईश्वर निवास ने, संगीत दिया है AR रहमान ने, प्रोडक्शन कंपनी वर्मा के एक्शन, रिलीज की तारीख 8 सितंबर 1995, कार्यकारी समय 150 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी, बजट इसका 4.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर जो इन्हें कमाई की है 33.4 करोड़। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसे भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य धारा खंड में प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म को 2004 की फिल्म विन ए डेट विद टेड हैमिंटल से प्रेरित बताया गया था। फिल्म ने उस वर्ष 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। वे थे सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जैकी श्रॉफ को, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए अहमद खान को और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनिंग के लिए मनीष मल्होत्रा को, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए राम गोपाल वर्मा को और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए AR रहमान को, RD बर्मन पुरस्कार महबूब और तन्हा तन्हा के लिए विशेष जूरी पुरस्कार आशा भोसले जी को मिला था। तो इस तरह जो है इसने 1995 में उस वर्ष जो है 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे और यह फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी और इसने जो है इसका बजट के औसत से ज्यादा कमाई की है और यह एक बड़ी हिट फिल्म बन गई 1995 की। तो गाइस, अब बात करते हैं हम इस फिल्म के भूखंड की कहानी के। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। मुन्ना मुन्ना का रोल जो है इस फिल्म में आमिर खान ने किया है। मुन्ना मुन्ना एक नाम से जो एक मुन्ना नाम का एक जो है अनाथ की दोस्ती कुछ दयालु लोगों से होती है। आमिर खान जो है रंगीला फिल्म में मुन्ना का रोल अभिनय कर रहा है और उसमें वह एक अनाथ है और उस अनाथ लड़की की जो है दोस्ती दयालु लोगों से होती है, जिसकी तेज तर्राट बेटी उर्मिला मातोड़कर जल्द ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। उर्मिला मातोड़कर जो है इसमें एक उसकी जो है सबसे अच्छी तेज तर्राट जो उसकी दोस्त बन जाती है। दोनों का रुझान मुंबई फिल्म उद्योग की ओर है, जबकि मिली को एक फिल्म के रूप में अतिरिक्त व्यवसाय मिलता है। मुन्ना काला बाजार में मूवी टिकट बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। दोनों का जो है फिल्म उद्योग की और मुंबई के लिए जो है रुझान करता है।
और इस बीच जो है मिली को तो एक फिल्म मिल जाती है, वैशाली, अतिरिक्त वैशाली मिलता है, और मुन्ना जो है फिल्म के सिनेमा घरों के बाहर जो है मूवी के टिकटों का काला बाजार का कार्य कर कर अपना जो है कमाई करता है, अपना जीवन यापन करता है। मिली कि अभिनेत्री की बनने की महत्वाकांक्षा जब वह एक फिल्म स्टार के ध्यान में अपनी तरह से नृत्य करती है तो फॉर्च्यून उसकी तरफ देखता है। यह अभिनेता राजकमल यानी कि जैकी श्रॉफ है रंगीला नामक अपनी आगामी फिल्म में नायिका की भूमिका के लिए उसके ऑडिशन की व्यवस्था करता है। मिले की जो है एक फिल्म स्टार का एक जो इसमें ध्यान अपनी तरफ खींचती है नृत्य की वजह से जो है एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री वह बनना चाहती है, और अपने नृत्य कला से जो है वह अभिनेता जो कि राजकमल इसमें जैकी श्रॉफ की भूमिका निभा रहे हैं, एक अभिनेता है इस फिल्म में, और वह अपनी फिल्म जो है अगली फिल्म उसकी जो होती है रंगीला उसके लिए वह अपनी नायिका की भूमिका के लिए तलाश कर रहे होते हैं, और वह ऐसे मिली से मिलते हैं और वह अपनी अगली फिल्म के लिए जो है उसके ऑडिशन की व्यवस्था करते हैं। मिली के कर्मचारियों से ध्यान भटक जाता है, लेकिन मुन्ना और राज के लिए किसी भी तरह से ध्यान धन्यवाद वह भूमिका निभाती है। जो है मिली की कमियों से जो है उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन मुन्ना और राज किसी के लिए किसी भी तरह से जो है उसका वह धन्यवाद वहां करती है निभाती है। राज और मुन्ना दोनों मिली के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन मिली इस पर ध्यान देने के लिए फिल्म बनाने में बहुत व्यस्त है। और जब इसी बीच जो है मुन्ना और राज जो है दोनों दोनों ही मिली से प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन मिली अपने काम में इतनी व्यस्त होती है, वह अपनी फिल्म पर बनाने में इतनी व्यस्त होती है वह इन पर जो है ध्यान नहीं देती, और वह फिल्मांकन के दौरान राज के साथ काफी समय बिताना शुरू कर देती है। मुन्ना कई बार मिली को यह बताने की कोशिश करता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह नहीं कह पाता या राज बीच में आ जाता है। मिनी जो है फिल्म बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह उसे जो है मुन्ना के से मिलने का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, और वह फिल्मांकन के दौरान जो है राज के साथ ही काफी समय ज्यादा से ज्यादा समय जो है वह राज के साथ बिताना शुरू कर देती है। लेकिन मुन्ना जो है उससे प्यार करता है, और उस मुन्ना कई बार जो है मिली से मिलने के मिलकर या मिली को यह सब बताने की कोशिश करता है कि वह मिली से प्यार करता है, लेकिन अपने दिल का और अपने प्यार का इजहार वह नहीं कर पाता और नहीं कर पाता, और कभी कभी जो है राज उनके बीच में आ जाता है। आखिरकार हीन भावना महसूस करते मुन्ना ने मिली को राज पर छोड़ने का फैसला किया जो उसे उससे बेहतर जीवन दे सकता है। और जब वह अपने मुन्ना जो है अपने प्यार का इजहार मिली से नहीं कर पाता तो आखिरकार वह ये एक फैसला लेता है, और वह सोचता है कि वह मिली को जो है राज के लिए छोड़ देता है, और यह सोचता है कि उसके अंदर जो है एक हीन भावना उसे महसूस करता है कि और वह मिनी को जो है राज के लिए छोड़ने का फैसला करता है कि वह ही उसे जो है मेरे से बेहतर जीवन देने में उसकी वह उसे बेहतर जीवन देगा, मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है, और यह दोनों जो है अच्छे फिल्मों में इनको कार्य मिल रहा है और वह कुछ कार्य नहीं कर पाता, उसका कोई ऐसा ही नहीं होता, तो इस कारण जो है यह सब सोचते अपने मन में
फैसला करते हुए वह मिली को जो है राज के लिए छोड़ देता है। हालांकि मामला सुलझ नहीं रहा था क्योंकि मिली ने फिल्म की ओपनिंग नाइट में इस बारे में सुना। वह राज से मुन्ना को खोजने की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर भी जो है मामला यह सुलझ नहीं पाता है। बिन दोनों के प्यार का मामला जो है यहाँ पर सुलझ नहीं पाता है क्योंकि मिली ने जो है फिल्म की एक ओपनिंग के दौरान जो है रात में ओपनिंग की नाइट में इस बारे में सुना और फिर वह रात से कहती है कि वह मुन्ना को खोजने में मदद करने के लिए कहती है और वह जो है फिर मुन्ना को खोजने के लिए राज से उसकी मदद मांगती है और वह कहती है कि तुम में मुन्ना को खोजने में मेरी मदद करो। जिससे वह यह महसूस करने के बाद करता है कि मिन्नी मुन्ना से प्यार करती है न कि उससे। और इस बात से जो है जब वह मुन्ना से मदद मांगती है मुन्ना को खोजने के लिए तो राज को यह महसूस होता है कि वह जो है मिली जो है मुन्ना से प्यार करती है वह राज से प्यार नहीं करती। मिली ने मुन्ना को बीच में ही रोक दिया। गलतफहमी दूर हो गई और प्रेमी एकजुट हो गए। उसके बाद जो है मिली और राज मिलकर मुन्ना को खोज लेते हैं और मुन्ना जैसे ही कहना शुरू करता है अपनी बात को जाहिर करना शुरू करता है तो मिली जो है उसे बीच में ही रोक देती है और उसकी जो है यह गलतफहमी दूर कर देती है कि वह राज से प्यार करती है। वह कहती है कि मैं जो है राज मेरा अच्छा दोस्त है और मैं राज से प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह जो है वह मुन्ना की गलतफहमी को दूर कर देती है और दोनों प्रेमी जो है फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। तो गाइस यह तो इसकी कहानी स्टोरी। और अब बात करने जा रहे हैं हम इस फिल्म के किरदारों की। इस फिल्म में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है और क्या किरदार निभाया है। तो मुन्ना के रूप में जो है इसमें आमिर खान ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है और वह मिली से प्यार करता है। वह एक गरीब और अनाथ लड़का होता है और जिसके पास जो है कोई कार्य भी नहीं होता। वह फिल्मों के टिकटों की कालाबाजारी करता है और उसकी दोस्ती जो है मिनी से होती है और वह मिनी से प्यार करता है। राजकमल के रूप में जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है जो कि वह भी मिली से प्यार करता है और उसके एक नृत्य के दौरान जो उसकी उसके मुलाकात होती है और वह अपनी जो है अगली फिल्म में ओपनिंग के लिए वह उसको अभिनेत्री की भूमिका अपनी अभिनेत्री की भूमिका में रंगीला फिल्म में जो है उसको अपने साथ लेता है और वह उससे जो है इसी बीच जो है वह उससे प्यार करता है। मिली जोशी के रूप में उर्मिला मातोंडकर ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है जो एक अभिनेत्री इस फिल्म में एक अभिनेत्री बनना चाहती है और मुंबई जाना चाहती है। इसका यह सपना जो है राजकमल ने यानी जैकी श्रॉफ ने पूरा किया है और उसको अपनी रंगीला फिल्म में अभिनय का मौका दिया है और वह राज के अच्छे दोस्त और मुन्ना आमिर खान से जो है इसमें प्यार करती है। स्टीवन कपूर के रूप में गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। पीसी के रूप में अवतार गिल ने इस फिल्म में अभिनय किया है। श्रीमती जोशी मिली की माँ के रूप में रीमा लागू ने इसमें अभिनय किया है। अच्युत पोतदार श्री जोशी के रूप में मिली के पिता ने इसमें अभिनय किया है। पाकिया के रूप में राजेश जोशी ने इसमें अभिनय किया है। नीरज वोरा ड्रग पार्टी गेस्ट बल्फर के रूप में इसमें अभिनय किया है। राजीव मेहता रेस्टोरेंट स्टीवन स्टीवर्ट के रूप में इसमें अभिनय किया है। नितिन चंद्रकांत देसाई मेकअप दादा के रूप में राममोहन ने इसमें अपना अभिनय किया है। सम्मी गुलबदन की माँ के रूप में इसमें अभिनय किया है। शूटिंग के खत्म
शूटिंग के सख्त आदमी के रूप में तरुण ने इस फिल्म में अपना अभिनय किया है। मोतीलाल के रूप में सुमन ने इसमें अभिनय किया। हिमांशु, आदित्य नारायण खुद बड़े रंगीला रीमेक गीत में गाते हुए, सरोज खान खुद के रूप में कोरियोग्राफर के रूप में, शीर्षक गीत में बैकग्राउंड डांसर के रूप में रेमो डिसूजा ने अभिनय किया है। माला मल्होत्रा के रूप में सैफ अली छाया विशेष उपस्थिति द्वारा तारा की शूटिंग टीवी श्रृंखला के लिए विशेष उपस्थिति में मधु भंडारकर ने इसमें जो है अभिनय किया है। और तो गाइज इस तरह जो है इन कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस फिल्म के स्वागत की। रंगीला को आलोचकों की प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। इसने 334 मिलियन की कमाई की। यह 1995 की चौथी सबसे बड़ी ग्रासर फिल्म बन गई। उर्मिला मातोंडकर रातोंरात सनसनी और सुपरस्टार बन गई। तन्हा तन्हा और रंगीला रे जैसी हिट फिल्मों से उनकी प्रसिद्धि और स्टार का दर्जा बढ़ा। उनकी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी तुरंत प्रसिद्धि मिली। यह फिल्म आमिर खान के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिनकी उर्मिला के साथ केमिस्ट्री को भी सराहा गया। रंगीला की कोरियोग्राफी भी विशेष उल्लेखनीय के पात्र हैं। कोरियोग्राफर अहमद खान और सरोज खान के नेतृत्व में उद्गार नृत्य दृश्य और क्लासिक और आकर्षक माना जाता है। रंगीला का संगीत भी अत्यधिक सफल रहा, जिसमें फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जीत हासिल कराने में मदद की। और रंगीला फिल्म जो है 1995 की जो है इसे आलोचकों से जो है प्रशंसा प्राप्त हुई और यह जो है एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में घोषित की गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। इसने जो है बजट के औसत से अधिक की कमाई की है और यह समय इसलिए यह समय की जो है एक ब्लॉकबस्टर घोषित की गई थी। और यह 1995 की जो है सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में इसकी गिनती हुई। और इस फिल्म से जो है उर्मिला मातोंडकर एक जो है सुपरस्टार बन गई। और इसमें जो है इनके लिए 8 पुरस्कार, कोरियोग्राफर के लिए पुरस्कार, ए आर रहमान के लिए, मनीष मल्होत्रा के लिए और कहानी के लिए, अच्छे संवाद के लिए राम गोपाल वर्मा को इसने इस फिल्म में जो है अनेक पुरस्कार जीते। और इसके जो है नृत्य दृश्य और क्लासिक आकर्षक रंगीला के जो है संगीत भी जो है अत्यधिक सफल रहा। और संगीत के कारण जो है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उसको एक ब्लॉकबस्टर जीत हासिल करने में जो है उसकी मदद की है। तो गाइस अब बात करते हैं फिर इस फिल्म के गीत और संगीत की। तो इस फिल्म का जो है साउंड ट्रैक एल्बम आई आर रहमान ने तैयार किया है और इसको जो है रिया किया गया वह अगस्त 1995 में रिकॉर्ड जो है पंचथन रिकॉर्ड इन और शैली की संगीत लम इस फिल्म के जो है इस फिल्म का साउंड ट्रैक जो है 44 मिनट और 2 सेकंड का है। और लेबल दिया टिप्स संगीत ने, निर्माता ए आर रहमान इसके जो है निर्माता है। इसको जो है इस 5 में से जो है 4 स्टार जो है इसके संगीत को मिले हैं। साउंड ट्रैक में ए आर रहमान द्वारा रचित 7 गाने, महबूब द्वारा लिखे गए गीत और एक वाद थीम गीत शामिल है। ऑडियो सितंबर 1995 में रहमान की माँ करीमा द्वारा जारी किया गया था। यह बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक की लगभग सभी सूचियों में सूचीबद्ध है। साउंड ट्रैक ने रहमान को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और न्यू म्यूजिक म्यूजिक टैलेंट के लिए फिल्म फेयर आर डी बर्मन पुरस्कार प्राप्त किया। महबूब को क्या करे
और तन्हा तन्हा ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दो नामांकन मिले। स्वर्णलता, श्वेता शेट्टी और कविता कृष्णमूर्ति को उनके संबंधित ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आशा भोसले को उस वर्ष तन्हा तन्हा गीत के गायन के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार मिला। यारो सुन लो जरा गीत को मूल रूप से एक तेलुगु फिल्म सुपर पुलिस के लिए बाबू लव चेहरा के रूप में बनाया गया था। साउंड ट्रैक को तमिल में भी रिलीज किया गया था, जिसका शीर्षक रंगीला था और गीत वेराथू वेरामतु द्वारा लिखे गए थे। हालांकि पुनः उपयोग किए गए ट्रैक यारो सुन लो जरा तो को तमिल संस्करण में शामिल नहीं किया गया था। साउंड ट्रैक अधिकार जो है अब टिप्स म्यूजिक कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर दिए गए थे। इस फिल्म में जो है 8 गीत है और इन गीतों को जो है गाया है। सबसे पहले जो आता है रंगीला रे, इस गीत को गाया आशा भोसले जी ने और आदित्य नारायण ने। और इस गीत की जो है लंबाई है 5 मिनट और 25 सेकंड का है गीत है। और नंबर 2 पर आता है राम, इस गीत को गाया हरिहरन स्वर्णलता ने। और इस गीत की जो है कुल लंबाई 5 मिनट और 14 सेकंड का यह गाना है। नंबर 3 पर आता है क्या करे क्या ना करे, इस गीत को गाया है उदित नारायण ने। और इस गीत की लंबाई जो है 5 मिनट और 42 मिनट का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है तन्हा तन्हा ये क्या जीना, इस गीत को जो है आशा भोसले जी ने गाया है। और इस गीत के लिए जो है आशा जी को उस वर्ष का गीत गायन के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। नंबर 5 पर आता है प्यार ये जाने कैसा, इस गीत को कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडेकर जी ने इस गीत को गाया है। और इस गीत की कुल लंबाई जो है 4 मिनट और 59 सेकंड का यह गाना है। नंबर 6 पर आता है यारो सुन लो जरा, इस गीत को उदित नारायण और चित्र ने गाया है। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड का यह गाना है। नंबर 7 पर आता है मांगता है क्या, इस गीत को श्वेता शेट्टी ए आर रहमान ने गाया है। और इस गीत की लंबाई जो है 6 मिनट और 45 सेकंड का यह गाना है। और नंबर 8 पर आता है रंगीला की आत्मा, जो कि इसमें एक वाघ है और यह वाघ जो है 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गाना है। तो इस तरह जो है इस साउंड ट्रैक की कुल लंबाई जो है 44 मिनट और 2 सेकंड का यह गाना है। और इसका जो है इस साउंड ट्रैक को जो है ए आर रहमान को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और न्यू म्यूजिक टैलेंट के लिए फिल्मफेयर RD-1 पुरस्कार दिया गया है। इस का जो है साउंड ट्रैक का तमिल डब संस्करण है, जो कि इसमें 7 है। और ये इस तरह है रंगीला रंगीला, जो कि गाया है सुजाता मोहन ने। और ये 5 मिनट और 25 सेकंड का है ये गाना। और नंबर 2 पर अयो कणव ए आर रहमान और अनुपमा ने इस गीत को गाया है। नंबर 3 पर आता है हे राम ए राम, इसको हरिहरन और श्योन लता ने 5 मिनट और 14 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर तनिए तनिए, इसको एस जानकी ने गाया है और 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गाना है। और नंबर 5 पर आता है कथनी नी एना सेवे, उन्नी कृष्ण कविता कृष्णमूर्ति ने इसको जो है गीत को गाया है। 4 मिनट और 59 सेकंड का यह गाना है। और नंबर 6 पर है कंबन शैली, जो कि इसको गाया SP बाला सुब्रमण्यम ने और 5 मिनट 42 सेकंड का यह गाना है। और नंबर 7 पर आता है रंगीला की आत्मा, जो कि सायक है, इसको गीत की लंबाई 3 मिनट और 2 सेकंड का है।
और अब बात करते हैं इस फिल्म के जो है तेलुगु डब संस्करण की। इस साउंड ट्रैक के तो सभी ट्रैक द्वारा लिखा जाता है सिडनी वेलेना असित रामा शास्त्री के द्वारा, और इसमें भी जो है साथ ही इसके गीत है नंबर एक पर आता है यारे एस जानकी ने इसको गाया है, और इस गीत की लंबाई जो है 5 मिनट और 25 सेकंड का यह गाना है। नंबर दो पर आता अय्याओ, इस गीत को AR रहमान और अनुपमा ने गाया है। इसकी लंबाई जो है 6 मिनट और 45 सेकंड का यह गाना है। नंबर तीन पर आता यमी तो येमो, इसको हरि कृष्ण हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। यह 4 मिनट और 59 सेकंड का यह गाना है। येडुपो नंबर चार पर आता है येडुपो काडुपो कलंतु, एस जानकी ने इस गीत को गाया है। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गाना है। नंबर पांच पर आता है येमी केचा वाचू मान, इसको गीत को गाया है मानो ने, और 5 मिनट 42 सेकंड का यह गाना है। नंबर छह पर आता है राम, इस गीत को हरिहरन सरलता ने गाया है, और 5 मिनट 14 सेकंड का यह गाना है। नंबर सात पर आता है दीना कथा, अनुपमा ने इस गीत को गाया है, और 3 मिनट और जो है 2 सेकंड का यह गाना है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के जो है सामान्य गीत की। रंगीला नाम आमिर खान द्वारा मुन्ना के चरित्र पर आधारित था, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ही थी जो फिल्म की सफलता के लिए पर्याप्त बन गई। उन्हें अक्सर मीडिया द्वारा प्रशंसनों और लोकप्रिय संस्कृति में रंगीली कहा जाता था। उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा को नृत्य और संगीत पर आधारित प्रेम कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी किसी अन्य स्क्रिप्ट के लिए माधुरी और श्रीदेवी को लेने की कोशिश करना बंद कर दिया। गयाम के सेट पर उनके नृत्य कौशल से प्रभावित होकर उर्मिला के साथ रंगीला की शुरुआत की। मुंबईया टपोरी की भूमिका में आने के लिए आमिर खान ने वास्तव में अपना कुछ समय मुंबई की वास्तविक जिंदगियों में रियल टपोरी के साथ बिताया। आमिर के किरदार को अच्छी तरह से चित्रित करने के लिए अपने उच्चारण, संवाद, अदायगी और शरीर की भाषा का काम किया। राम गोपाल वर्मा जाहिर तौर पर सरोज खान की तन्हा तन्हा की कोरियोग्राफी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाकी गानों को कोरियोग्राफर करने के लिए अहमद खान को नियुक्त किया। हालांकि यह एक और तथ्य है कि तन्हा तन्हा में सरोज खान की कोरियोग्राफी शहर की चर्चा बन गई और उसे व्यापक प्रशंसा मिली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों को प्रदर्शित करने वाली फिल्म के शीर्षक क्रेडिट को विशेष रूप से राम गोपाल वर्मा से उद्योग के लिए प्यार के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उनके शब्दों में रंगीला भारतीय सिनेमा की सुंदरता को समर्पित एक श्रद्धांजलि थी। रंगीला RGV की एकमात्र सफल हल्की फुल्की फिल्म है जिसमें रोमांस, संगीत और कॉमेडी शामिल है। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान थ्रिलर और गैंगस्टर फिल्मों की ओर लगाया। हालांकि उन्होंने 1999 में एक और हल्की फुल्की फिल्म मस्त बनाने की कोशिश की, वह फिल्म रंगीला की सफलता की नकल नहीं कर सकी। आमिर खान ने बाद में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि जब उन्होंने इसे पहली बार सुना तो उन्हें संगीत पसंद नहीं आया और इससे उन्हें बहुत उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि आशा भोसले, जिनके कैरियर को भी इस फिल्म से बढ़ावा मिला, उन्हें पहली बार सुनाए गए गाने ज्यादा पसंद नहीं आए। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, स्टीवन कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में गुलशन ग्रोवर द्वारा निभाए गए कैमरियो में दिखाई देते हैं। लोकप्रिय जनमत के अनुसार यह व्यापक रूप से बताया गया है कि अभिनेता आमिर खान ने रंगीला में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं जीतने के बाद पुरस्कार समारोह में भाग लेना बंद कर दिया। इसके विपरीत यह जो जीता वही सिकंदर था, जिसके लिए आमिर खान ने अनिल कपूर को बेटा के लिए पुरस्कार खो दिया था, जिसके कारण पूर्व की निराशा हुई, जिसके बाद उन्होंने पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया।
रंगीला एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें आमिर खान और उर्मिला ने एक साथ काम किया। जैकी श्रॉफ और आमिर खान ने कई साल बाद धूम 3 में साथ काम किया, जिसमें जैकी ने आमिर के पिता की भूमिका निभाई। और अब बात करते हैं इस फिल्म के सांस्कृतिक महत्व की। रंगीला को बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि फिल्म ने 2004 की फिल्म विन एंडेड विद टेड हैमिंटन को प्रेरित किया था। 2010 की फिल्म ब्रेक के बाद भी रंगीला की कहानी पर आधारित थी। फिल्म की बड़ी सफलता के बावजूद इसे अभी भी अपने समय से पहले की फिल्म के रूप में माना जाता था, क्योंकि 1990 के दशक की शुरुआत में बनी फिल्मों में प्लॉट और कहानी की तारीफें थी। शेखर कपूर ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर इसे महान संगीत और दृश्यों के साथ 21वीं सदी की फिल्म कहा। फिल्म में उर्मिला मातोंडकर की प्रस्तुति शहर की चर्चा बन गई, क्योंकि इसने बॉलीवुड नायिका की छवि का फिर से आविष्कार किया। आमिर खान ने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में एक मुंबई टपोरी का असामान्य किरदार निभाया और यह उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म का ए आर रहमान का संगीत इतना लोकप्रिय हो गया कि यह लगभग एक दशक तक चार्ट में सबसे ऊपर रहा। गाने अभी भी लोकप्रिय है क्योंकि उनमें एक ताजा एहसास है। फिल्म इतने सारे तकनीशियनों और कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों के कैरियर की स्थापना करता है। तो इस तरह जो है यह 1995 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में उभरी, और जो कि इसने दर्शकों के बीच में जो है अपनी जगह बनाई है, और दर्शकों को इसका साउंड ट्रैक और इसकी जो है कहानी दोनों ही पसंद आए हैं। और यह आज भी यह फिल्म और उसका साउंड ट्रैक जो है दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। इस फिल्म ने जो है कई पुरस्कार जीते हैं। ए आर रहमान ने, आशा भोसले ने और राम गोपाल वर्मा ने चिकानी के लिए अनेक पुरस्कार इस फिल्म में जो है जीते हैं। और यह जो है उसके 1995 की जो है साउंड ट्रैक और कहानी की वजह से जो है यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। करते हैं इस फिल्म के अंदर जो राज बने हैं, जैकी श्रॉफ है, तो दोस्तों बात करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जैकी श्रॉफ को पूरा नाम है जय किशन कुकु भाई जैकी श्रॉफ उफ जैकी श्रॉफ। इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1957 को। एक भारतीय ये एक भारतीय अभिनेता है। वह चार दशकों से हिंदी सिनेमा बॉलीवुड उद्योग में हैं, और 2020 तक उन्होंने 13 भाषा हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उड़िया, गुजराती और अंग्रेजी। उन्होंने 4 फिल्म पुरस्कार जीते हैं। अन्य प्रशंसाओं के बीच वह कई सफल तमिल फिल्म में भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि बहुत प्रशंसित नव नोयर थ्रिलर अरण्यकंदम के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जय किशन कुकु भाई श्रॉफ का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1957 को। इनकी उम्र है 64। बॉम्बे अब मुंबई बॉम्बे स्टेट महाराष्ट्र भारत। पेशा आदर्श अभिनेता फिल्म निर्माता। सुखी रिवर्स 1978 वर्तमान के लिए जाने जाने वाले हैं कि हीरो, युद्ध, कर्म, त्रिदेव, अंतरामी, जीवन साथी, आशा दत्त, आयशा दत्त, संतान दो, टाइगर श्रॉफ। वेबसाइट है jackyshrofin.com। प्रारंभिक जीवन। श्रॉफ का जन्म किशन कुकुभाई श्रॉफ के रूप में बॉम्बे वर्तमान मुंबई भारत में हुआ था। इनके पिता काकू भाई हरी भाई श्रॉफ था गुजराती, और उनकी माँ थी तुर्कमेन खाजनिस्तान खाजिस्तान के तख्त पलीत होने में उनकी नानी अपने साथ बेटियों के साथ लद्दाख भाग गई। वे दिल्ली और
अंत में मुंबई चले गए। उनके पिता व्यापारियों और व्यापारियों के गुजराती परिवार से थे। हालांकि उन्होंने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में खो दिया और उनका पिता को 17 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा। उनके पिता अपनी माँ से तब मिले जब दोनों किशोर थे। उन्होंने शादी कर ली। एक युवा के रूप में उन्होंने सैजे फ्यूसम सहित कुछ विज्ञापनों में मॉडलिंग की। यह स्कूल अनेक सहपाठियों में से एक था जिसमें शो को अपना नाम जैकी दिया। और फिल्म निर्माता सुभाष रे ने उन्हें फिल्म हीरो में लॉन्च किया। श्रॉफ नियमित रूप से 3 बत्ती में अपनी बचपन का घर का दौरा करते हैं। श्रॉफ ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका आयशा से शादी की, जो एक मॉडल थी, जो बाद में 5 जून 1987 को अपना जन्मदिन और फिल्म निर्माता बन गई। यह जोड़ा एक मीडिया कंपनी श्रॉफ जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड चलाती है। सोनी टीवी के लॉन्च को लेकर 2012 में उनके पास संयुक्त रूप से 10% शेयर थे। जब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी तो सीनी टीवा के साथ अपने 15 साल के लंबे जुड़ाव को समाप्त कर दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी अभिनय कैरियर के बारे में। तो श्रॉफ ने 11वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने ताज होटल्स में अपार्टमेंट शेफ और एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट्स में काम करने के लिए कोशिश की, लेकिन योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगह से खारिज कर दिया। उन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी के पास टेड स्विंग्स नामक स्थानीय कंपनी में ट्रैवलर एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंट में उन्हें बस स्टैंड पर देखा और उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन शोफ फ्लोरा फाउंटेन के पास डाइवर कॉलेज में समान भवन पर स्थित विज्ञापनी एनजी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए। अपने लॉन्च टाइम के दौरान फोटोशूट के लिए शूट आउट के लिए फोटोशूट ने जैकी श्रॉफ उनके मॉडलिंग पथ पर लॉन्च किया। 1982 श्रॉफ के देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत की। 1987 में सुभाष घई ने उन्हें मीनाक्षी शिरोदी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो में मुख्य भूमिका के में कास्ट किया। फिल्म एक सफलता थी। उन्होंने सुभाष की घई की फिल्मों में काम करना शुरू जारी रखा। उन्होंने कई अन्य फिल्म अंदर बाहर जानू युद्ध सफल रही। 1986 मतलब उन्होंने करम किया जो 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उनकी अगले रिलीज होने में फिल्म काश थी। बाद में दल दहलीज और सच्चे का बोल बाला जैसी फिल्मों में समीक्षा द्वारा सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रहे। लेकिन उन्होंने राम लखन त्रिदिव परिंदा जैसी फिल्मों माध्यम में सफलता पुरस्कार दिलाया। 80 के दशक में वह सौदागर, अंगार, अपने साजन के, गर्दिश खलनायक 1942, ए लव स्टोरी, रंगीला, अग्निसाक्षी जैसी फिल्मों में हिस्सा थे। सीमा और शपथ 2006 में श्रॉफ के बच्चों की फिल्म भूत अंकल में भी नहीं किया। 2010 में वह फिल्म भूत एंड फ्रेंड्स में नजर आए। 2017 में जोफ्रे कोंकानी में अपनी शुरुआत की फिल्म सोल कारी में अभिनय किया जिसमें उन्होंने पुरस्कार भी जीता। इसके बाद उन्होंने 2019 की रिलीज होने वाली कोंकानी फिल्म अभिनय किया जिसका नाम कंतार है।
अक्टूबर 2018 में उन्होंने लघु फिल्म दा प्लोएवर मिस्टर सहानी में अभिनय किया। उन्होंने पलटन में भी देखा गया था। उन्होंने कहा कि 2019 में कई फिल्मों की तरह सुविधा के लिए फ्रीडरिक भारत साहू और रोमियो अकबर वॉटर उन्होंने यह सभी अभिनय किया और प्रस्थम के साथ ही नाम के साथ जो हिंदी तेलुगु फिल्मों में रीमेक अली फजाल और संजय दत्त। तो दोस्तों बात करते हैं इनके टेलीविजन के बारे में। शोफ ने लहरैन चित्रहार और मिसिंग जैसी कई टेलीविजन शो की मेजबानी की। लापता लोगों की कहानियों से निपटाना जो कभी नहीं मिले शोफ द्वारा अपने रचनात्मक वर्णन के लिए मिसिंग लोकप्रिय थी। यह शो सोनी टीवी से प्रदर्शित किया गया जिसमें उनके पास कुछ शेयर थे। शो भारतीय चैनल स्टार वन पर प्रसारित होने वाले मैजिक और इंडियन मैजिक स्टार के जज भी थे। ये शो 3 जुलाई 2020 को शुरू हुआ और 4 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया। 2018 में श्रॉफ ने उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को मेडी नाइट्स विद कपिल के उपस्थिति जर्जी की। 2019 में श्रॉफ ने कॉमेडिकल जस्टिस सीरीज में अपना डिजिटल डेब्यू किया। तो दोस्तों बात करते हैं इनके उद्यम उद्यम के बारे में। सामाजिक सक्रियता, वह एक जैविक खेत है उसका एक जैविक खेत है जहाँ वह जैविक पौधे पेड़ और जड़ी बूटियाँ उगाता है। वह थैलोमिसिया इंडिया के एक ब्रांड एम्बेसडर भी है और पिछले कुछ वर्ष में एडशिफ एंड्स जागरूकता और कन्या भ्रूण हत्या में उन्होंने जैसी कई कारणों में समर्थन किया है। उन्होंने कई विच्छेद बच्चों का इलाज और शिक्षा के लिए धन दिया है। 4 मार्च 2019 में कुशोफ को दिवंत पालतू कुत्ते रोगी की याद को लेने वाला स्थित पशु आश्रय भी एम्बुलेंस दान किया। पुरस्कार और प्रशंसा 1980 में जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार परिंदा। 1994 नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार गैटशियो। 1994 नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार खलनायक। 1995 में जीता फिल्म फेयर पुरस्कार सहायक अभिनेता। 1942 एक प्रेम कहानी। 1996 जीता फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार रंगीला। 1997 नामांकित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अग्निसाक्षी। 2002 में नामांकित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरस्कार यादें। 2001 में नामांकित नकारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिशन कश्मीर। 2003 में नामांकित फिल्म फेयर पुरस्कार अभिनेता पुरस्कार देवदास। 2009 में भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट जूरी पुरस्कार। 2011 में जीता सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में वीकेंड पुरस्कार आरणिया कॉमेडी। 2011 में जीता सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए विक्टिन पुरस्कार आरणिया कॉमेडी। 2014 में वूंदा जेव्यू। 2016 में जीता है एस्टी मोस्ट साइक्लिस्ट वेलिंग लीजर्स अवार्ड। 2017 में जीता राज कपूर पुरस्कार। बीते जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार को मिला 30 अप्रैल 2017 को। 2017 को जेपी दत्ता अवार्डर मूवी अवार्ड्स के लिए 20वां वर्षगांठ प्राप्त 12 जून 2017। 2017 जीता विज्ञान भवन पुरस्कार। हिंदी सिनेमा गौरव सम्मान प्राकृता। 2018 में जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर लघु पुरस्कार खुली। और 2018 में जीता गोवा राज्य पुरस्कार समारोह में गोमकानी फिल्म सोल करी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। एमेरिटस यूनिवर्सिटी से सिनेमा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ आर्ट्स मिला। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। तो इन्होंने फिल्में करी हैं 200
240 और टेलीविजन सीरीज करी है 4। तो ना हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, 1982 में स्वामी दादा, नायक, अंदर बाहरी, युद्ध, मेरी मेहरबानी, शिव का इंसाफ, आज का दौर, पैसा ये पैसा, जानू, मेरी जवान, लायन खान, मेरा धर्म, हथियारों की लकीर, दहलीज, अल्लाह रखा, कर्मा, और मर्द की जवान, जवाब हम देंगे, दिल जला, सड़क छपी, और कीशो काशो, कुदरत का कानून, उत्तर दक्षिण, फलक, आखिरी अदालत, सच्चों का बोलबल, राम लखन, परिंदा, मैं तेरा दुश्मन, काला बाजार, हम बे इंसान हैं, त्रिदेव सिक्का वर्दी, पत्थर के इंसान, जीने दो, बाप नंबर, बेटा 10 नंबर, और दूध का कर्ज, आजाद देश के गुलाम, हफ्ता बंद, इज्जत, 200 दिन, 100 दिन, सौदागरी, और अलकायला, लक्ष्म रेखा, संगीत समारोह, प्रेम दीवाने, लत साहब, दिल ही तो है, अंगारे, पुलिस अधिकारी, सपने साजन के, राजा अंकल, अंतिम न्याय, खलनायक, हस्ती, आईना, रूप की रानी, चोरू को राजा, गाड़ी शो, क्षेत्र चौराहा, 1942 है प्रेम कहानी, स्टंटमैन, त्रिमूर्ति, मिलन, दुश्मन एक, अहिंसक प्रेम कहानी, भगवान और गुण, रंगीला, राम रक्षा, राम शस्त्रम, तलाशी, गहना, चोर की वापसी, कलिंग, चल पे चल, बंदिश, शिकार, अग्नि साक्षी, विश्वविधाता, शेयर बाजार, शपथ, बॉर्डर, आर या पार, राजा राजू, राजा रामी, और तिरछी टोपी वाले, हफ्ता वसूली, बदशामी, जीन, जाने जिगर, 2001, 2001, और उत्सादों के उत्साद, युग पुरुष कभी ना कभी, यमराजी, बंधन, सिर्फ तुम, लावारिस, कर तू, फूल और अंग, गंगा की कसम, होते होते प्यार हो गया, कोहराम, आग ही आग, गिरो जंगो, सारनाथ, मिशन कश्मीर, कहीं प्यार ना हो जाए, हद मौत की हद, और जंग, गंगा की कसम, लावा, और हमारी इधर एक में फर्ज, सेंसर, ग्रहण, वह एक वन बुक का फोर, अलबेला, यादे, बस इतना सा ख्वाब है, लाश्ता, मुलाकात, पिता, क्या यही प्यार है, देवदास, आगी, वर्षा, बाज, बर्ड इन डेंजर, एक और 11, बूम, 3 दीवारें, समय, वेन टाइम स्ट्राइक्स, संध्या, आम है, नेटवर्क, द्वारा, हलचल, तुम हो ना, सुसुख, कौन, क्योंकि डिवोर्स नोट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, भूत अंकल, अपना सपना, मने 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 मने, भागम भाग, नक्शा, एक आला द रॉयल गार्ड, मेरे दिल लेके देखो, मर्दा पृष्ठम, वी आर फ्रेंड, विदाई, और पापू पास हो गया, फुल एंड फाइनल, गॉड नोस, नो, गॉड ओनली नोस, हल्ला बोल, धूम धड़ाका, हमसे है जहान, रोयता, थग लाए, थोड़ी लाइफ, थोड़ा मैजिक, मुखबिर, हरी पत्थर, एक कॉमेडी टेररर्स, राज द मिस्ट्रीस कंटीज, एक द पावर ऑफ वन, कृतिक, अनुभव, किशन, वीर, 3 पत्ती, मलिक, एक सेकंड जो जिंदगी बदल जाए, उसका द मोस्ट वांटेड, हम दो अनजाने, भूत एंड फ्रेंड्स, स्टेज, पैराशूट, बिंदी बाजार, चार सीट, कवर स्टोरी, शाह था इन नेम ऑफ गॉड, एक था सोल्जर, मैरिड ऑफ टू अमेरिका, दाल में कुछ काला है, लाइफ की तो लग गई, लाइफ गुड, शूट आउट एट वाडला, औरंगजेब, धूम टू,
धूम थ्री और जीवन अच्छा है और शूटर और धूम थ्री महाभारत और सुपर मॉडल उस पारो धू भूतों की गिरोह नव वर्ष की शुभकामनाएं कहीं है प्यार मेरा भाई बिंदु चेहरा और दिल वाली जिमिल गर्लफ्रेंड जब्बा मखाली मुखमली गंदी राजनीति हाउसफुल थ्री चाक एंड गर्ल्स जस्ट अजीज अली और खुली शांतनु और फेम्स पलटन मोगली लेजेंड ऑफ जंगल टोटल धमाल रात बाकी रोमियो अकबर वाटर भारत शैतान की बेटी प्रार्थना बागी थ्री हेलो चलो राधे सूर्यवंश आने वाली है फिराकी आने वाली है अतिथि भूत भव आने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी तमिल फिल्मों में, तमिल फिल्मों की तो आरण्य कॉमेडी कोडांची मुर्नु पनाम मायावणी सोहो बिग बिग और अरना तो इन्होंने ऐसी तमिल की फिल्में करी है। तो बात करते हैं इनकी इनकी तेलुगु फिल्मों में कस्ट्रम बैंक काला और सफेद शक्ति पंजा साहो। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी बंगाली फिल्मों के बारे में अंतरुमहल रात पेरी रूप का था जब बाबा भोलेनाथ स्वयं भूमि राजस्थान में प्यार जोल जोलो। तो दोस्तों ये थी इनकी बंगाली फिल्में। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी मराठी फिल्मों के बारे में दूध का कर्ज रीता हृदय नाथी जन्म तेरी 3 मिनट 56 सेकंड किलारी और शोविना योगी गजागन। कन्नड़ फिल्मों की बात करते हैं सियो फुटपाथ जमाना अरना बंड आमर और अमानुष। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी मलयालम फिल्मों के बारे में अक्षयन फ्लैंडर्स नंबर वन एटीएम चीला रंगीला चिल्लो ऑटो। तो बात करते हैं इनकी पंजाबी फिल्मों के बारे में तो मम्मी पंजाबी लकी दी अनलकी स्टोरी सरदार साहब जग्गा जंडाऊ आई। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी भोजपुरी फिल्मों के बारे में हाँ हम खलनायक और बलिदान। दोस्तों बात करते हैं इनकी कोंकणी फिल्मों के बारे में आत्मा करी और कंत्रो। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी गुजराती फिल्मों के बारे में पंखा। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी उड़िया फिल्मों के बारे में दहा बुलंगा। तो बात करते हैं दोस्तों इनके टेलीविजन कैरियर के बारे में मैजिक इंडियन मैजिक स्टार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल यादों की बारात आपराधिक न्याय द कपिल शर्मा शो ओके कंप्यूटर डांस दीवाने सुपर डांसर। तो दोस्तों ये थी जैकी श्रॉफ के बारे में हमारी थोड़ी बहुत जानकारी। इन्होंने बहुत ज्यादा सफल इन्होंने 240 फिल्मों में अभिनय किया है जो कि है हिंदी भाषा की तमिल भाषा की तेलुगु भाषा की बंगाली भाषा की मराठी भाषा की कन्नड़ भाषा की मलयालम भाषा की पंजाबी भाषा की भोजपुरी भाषा की कोंकणी भाषा की गुजराती भाषा की उड़िया भाषा की और उन्होंने कई सारी टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी अपना योगदान दिया है। इन्होंने चार टेलीविजन सीरीज भी करी है। तो और इनके बेटे एक अभिनेता है जिनका नाम जैकी श्रॉफ है। इन्होंने इनकी पत्नी का नाम है आशिया आयशा दत्त और इनकी वेबसाइट का नाम है जैकी श्रॉफ इन और इनका पूरा नाम है जैक किशन काकू भाई श्रॉफ। इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1957 को बॉम्बे के अंदर। इनकी उम्र है 64 और ये इनका पेशा है अभिनेता फिल्म निर्माता। सक्रिय वर्ष 1978 और वर्तमान के अंदर ये हीरो फिल्म के लिए जाने जाते हैं युद्ध कर्मा त्रिदेव और अंतरमहाली की फिल्मों के ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो
तो दोस्तों ये थी हमारी जैकी श्रॉफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आया बात करते हैं हम इस फिल्म में जिन्होंने तो गाइस अब बात करते हैं हम यहाँ पर आमिर खान की, जो कि इसमें मुन्ना बने हुए हैं इस फिल्म के अंदर, और जो इसमें मिनी से प्यार करते हैं लेकिन उसका जो है जान नहीं कर पाते। मोहम्मद आमिर हुसैन खान, इनका जन्म 14 मार्च 1956 में हुआ, 65 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, गायक, निर्देशक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन टॉक शो होस्ट है। हिंदी फिल्मों में 30 साल से अधिक के अपने कैरियर के दौरान खान ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। उनके व्यावसायिक अनुयायी है, विशेष रूप से भारत और चीन में, और न्यूज वीक द्वारा उन्हें दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म स्टार रूप में वर्णित किया गया है। खान कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है, जिनमें 9 भी शामिल है फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक AACTA पुरस्कार। वह द्वारा सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा 7 पद्मश्री 2003 में और पद्म भूषण 2010 में, और उसे एक मानद उपाधि मिली है चीन की सरकार के 2017 में। साल के लिए नियमित रूप से एक के बीच में सूचीबद्ध किया गया है दुनिया में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमान। इनका जन्म 14 मार्च 1965 में हुआ, ये 56 वर्ष के आयु के हैं। पेशे से अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक और गायक, शो होस्ट। जीवन साथी रीना दत्ता और किरण राव। संतान 3। माता पिता ताहिर हुसैन, जीनत हुसैन माँ। खान की पहली बार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर दिखाई दिए। एक व्यक्ति के रूप में उनकी पहली पिक्चर फिल्म भूमिका प्रयोगात्मक फिल्म होली 1984 में थी। उन्होंने कयामत से कयामत तक 1988 में एक प्रमुख भूमिका के साथ साथ पूर्णकालिक अभिनय कैरियर की शुरुआत की। राव राख में उनके प्रदर्शन ने उन्हें विशेष उल्लेख श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1990 के दशक में दिल राजा हिंदुस्तानी सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय करके खुद को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और सरफरोश उन्होंने 1947 के अर्थ में भी टाइप के खिलाफ खेला। 1999 में उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की, जिसकी पहली फिल्म लगान 2001 को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 और फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अर्जित की फिल्म। स्क्रीन से 4 साल की अनुपस्थिति के बाद खान प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने लगे, विशेष रूप से फना और रंग दे बसंती। उन्होंने तारे जमीन पर 2007 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। खान की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता गजनी थ्री इडियट्स के साथ आई, रंगीला, धूम 3, पीके और दंगल। प्रत्येक ने सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि सीक्रेट सुपरस्टार ने एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। खान ने फिल्म फेयर में दंगल के लिए अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उनकी फिल्में भारतीय समाज के सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए जानी जाती है, और वे अक्सर व्यावसायिक मामला फिल्म मसाला फिल्मों में मनोरंजन और उत्पादन मूल्यों को जोड़ते हैं।
समांतर सिनेमा की विश्वसनीय आख्यानों और मजबूत संदेशों के साथ खान एक कार्यकर्ता और मानववादी है, और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक कारणों में भाग लिया और बाद की जिनमें से कुछ ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। वह आईपीएस मीडिया फाउंडेशन के प्रमुख दाता है, जिन्होंने स्क्रॉल डॉट इन द वायर और कई अन्य भारतीय समाचार वेबसाइटों को वित्त पोषित किया। उन्होंने टेलीविजन टॉक शो सत्यमेव जयते को बनाया और होस्ट किया, जिसके माध्यम से वे भारत में संवेदनशील सामाजिक मुद्दों का प्रकाश डालते हैं, कभी कभी भारतीय संसद को प्रभावित करते हैं। एक समाज सुधारक के रूप में उनका नाम गरीबी और शिक्षा से लेकर दुर्व्यवहार और भेदभाव तक के मुद्दों से निपटने के लिए उन्हें टाइम्स 100 पर एक उपस्थिति मिली, दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। खान ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से 15 साल तक शादी की, जिसके बाद उन्होंने फिल्म निर्देशक किरण राव से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, 2 दत्ता के साथ और 1 राव के साथ, सरोगेसी के माध्यम से। मोहम्मद अमीर हुसैन खान मार्च 1965 को पैदा हुए थे मुंबई, और ताहिर हुसैन एक फिल्म निर्माता और जीनत हुसैन उनके कई रिश्तेदार हिंदी फिल्म उद्योगों के सदस्य थे, जिसमें उनके दिवंगत चाचा निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन भी शामिल थे। फिल्म उद्योग के बाहर वे अपनी दादी के माध्यम से अबुल कलाम आजाद से भी जुड़े हुए हैं। खान 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई फैजल खान और 2 बहनें फरत और निकहत खान। उनके भतीजे इमरान खान एक समकालीन हिंदी फिल्म अभिनेता है। खान 6 बार के विधायक, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के दूसरे चचेरे भाई भी हैं, जो अबुल कलाम आजाद की पोती है। एक बाल कलाकार के रूप में खान को 2 छोटी भूमिकाओं में पर्दे पर दिखाई दिए। 8 साल की उम्र में वह यादों की बारात 1973 में दिखाई दिए, जो बॉलीवुड की पहली मसाला फिल्म थी। अगले वर्ष वह के छोटे संस्करण में चित्रित महेंद्र सिंधु की में चरित्र मदहोश खान ने अपनी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए जेबी पेटिट स्कूल में भाग लिया। बाद में 8वीं कक्षा तक सेट एनी हाई स्कूल बांद्रा में चले गए और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम में अपनी 9वीं और 10वीं की कक्षा पूरी की। उन्होंने टेनिस खेल राज्य स्तरीय चैंपियनशिप और राज्य स्तरीय चैंपियन बने। उन्होंने दावा किया कि वह पढ़ाई की तुलना में खेल में बहुत अधिक अच्छे थे। खान ने मुंबई में नरसी मोजी कॉलेज में अपनी 12वीं कक्षा पूरी की और अपने माता पिता की वित्तीय समस्याओं के कारण अपने बचपन को कठिन बताया, क्योंकि उनकी फिल्म निर्माण ज्यादातर असफल रही थी। खान ने कहा, लेनदारों से उनके पैसे के लिए बुलावे जाने वाले दिन में कम से कम 30 कॉल होते होंगे, और फीस का भुगतान न करने के लिए उसे हमेशा स्कूल से निष्कासित होने का जोखिम था। 16 साल की उम्र में खान 40 मिनट की मूक फिल्म अवयव बनाने की प्रायोगिक प्रक्रिया में शामिल थे, जिसमें उन्हें स्कूल मित्र आदित्य भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था। फिल्म को फिल्म निर्माता श्री राम लागू द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो भट्टाचार्य के एक परिचित थे, जिन्होंने उन्हें कुछ 1000 रुपये प्रदान किए। खान के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्में बनाए और चाहते थे कि वह इसके बजाय एक इंजीनियर डॉक्टर के रूप में एक स्थिर कैरियर बनाए। इसी कारण से व्योम के शूटिंग शेड्यूल को गुप्त रखा गया था। फिल्म में उनके अभिनेता नीना गुप्ता और के साथ एक मुख्य भूमिका निभाई। एक साथ भट्टाचार्य की सहायता करते हुए विक्टर बैनर्जी ने उन्हें कहा कि इस पर काम करने के अनुभव ने उन्हें फिल्म में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। खान
खान बाद में अवतार नामक एक थिएटर समूह में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक मंच के पीछे काम किया। उन्होंने कंपनी में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने मंच शुरुआत की। गुजराती नाटक केसर बीना पर पृथ्वी थिएटर उन्होंने अपने दो हिंदी नाटकों और अंग्रेजी नाटक में अभिनय किया, जिसका शीर्षक केल्विन हाउस था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद खान ने पढ़ाई बंद करने का फैसला किया, और उसके बजाय हुसैन ने सहायक निदेशक के रूप में हिंदी फिल्मों में मंजिल मंजिल और जबरदस्त पर काम किया। हुसैन की सहायता के अलावा खान ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के छात्रों द्वारा निर्देशित विविध चरित्रों में अभिनय किया। निर्देशक केतन मेहता ने खान को उन फिल्मों में देखा और उन्हें कम बजट की प्रायोगिक फिल्म होली में एक भूमिका की पेशकश की। नवंतुक के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता होली में इस एल कुचवार के एक नाटक पर आधारित थी और भारत में रैगिंग की प्रथा से संबंधित थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि फिल्म नाटकीय थी, लेकिन गैर पेशेवर अभिनेताओं द्वारा बहुत ही शालीनता और उत्साह से प्रदर्शन किया। खान ने एक उपद्रवी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई, एक महत्वहीन भूमिका जिसे सीएनएन ने आईबीएन ने चालाकता में कमी के रूप में वर्णित किया। होली व्यापक रूप से दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही, लेकिन हुसैन और उनके बड़े बेटे मंसूर ने खान को मंसूर के निर्देशक में बनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में जूही चावला के साथ एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में लिया। यह फिल्म एक तरफा प्यार और माता पिता विरोध की कहानी है, जिसमें खान ने राज की भूमिका निभाई, जो एक साफ सुथरा स्वस्थ लड़का नेक्स्ट स्टोर है। यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और खान और चावला दोनों स्टारडम तक पहुंच गया। इसे 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ट्रॉफी भी शामिल है। कयामत से कयामत तक के निर्माण से पहले फिल्माई गई भट्टाचार्य की एक अपराध थ्रिलर रॉक 1989 में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर खराब रिसेप्शन के बावजूद फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। खान को कयामत से कयामत तक और राग दोनों में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार, विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया था। उस वर्ष बाद में उन्होंने चावला के साथ रोमांटिक कॉमेडी लव 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 के लिए एक फिर से काम किया, जो व्यावसायिक विफलता थी। खान ने 1990 में रिलीज हुई 5 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अव्वल नंबर, तुम मेरे हो, दीवाना, मुझे 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 मुझसा नहीं, जवानी, जिंदाबाद में कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि इंद्र कुमार के रोमांटिक नाटक किशोर लव विपरीत होने के लिए माता पिता के विपक्ष के एक कहानी माधुरी दीक्षित एक बड़ी सफलता थी। यह युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थी और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में उभरी। उन्होंने इस सफलता के बाद दिल है के मानता नहीं में पूजा भट्ट के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाई। अमेरिका इट हैपन वन नाइट की रिमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1990 के दशक की शुरुआत में खान कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें जजीता वे सिकंदर 1992, हम है रही प्यार की 1993, जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी, और रंगीला 1995 शामिल है। इसमें से अधिकांश फिल्में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। अन्य सफलताओं में अंदाज अपना अपना शामिल है। एक टी इसके रिलीज के समय फिल्म आलोचकों द्वारा प्रतिकूल समीक्षा की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों ने पंत का दर्जा प्राप्त किया। कम सफल फिल्मों में इसी का नाम जिंदगी और दौलत की जंग शामिल है। 1993 में खान परंपरा में दिखाई दिए सुनील दत्त, विनोद खन्ना, रवीना टंडन और सैफ अली खान सहित कलाकारों की टुकड़ी के होने के बावजूद फिल्म व्यापक दर्शकों को खोजने में विफल रही और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता बन गई। खान को टाइम मशीन में भी कास्ट किया गया था, हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण फिल्म को रोक दिया गया था और रिलीज नहीं हुई। खान ने साल में सिर्फ एक या दो फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और मुख्य धारा की हिंदी
सिनेमा अभिनेता के लिए एक असामान्य विशेषता थी। 1996 में उनकी एकमात्र रिलीज धर्मेंद्र दर्शन निर्देशित व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर राजा हिंदुस्तानी थी, जिसमें उन्हें करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा गया था। फिल्म ने उन्हें पिछले 7 नामांकनों के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने के साथ साथ 1990 के दशक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1919 के बाद से भारत में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। खान का करियर इस समय एक पठार पर आ गया और अगले कुछ वर्षों के अनुसरण की जाने वाली अधिकांश फिल्में केवल आंशिक रूप से सफल रही। 1997 में उन्होंने इश्क में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले वर्ष खान मामूली रूप से सफल गुलाम में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने पार्श्व गायन भी किया। 1999 में खान की पहली फिल्म जान मैथ्यू मैथन की सरफरोश थी, मध्यम रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से बेहतर रही। फिल्म और खान को फिल्म समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया, जैसा कि दीपा मेहता की कनाडाई भारतीय आर्ट हाउस फिल्म अर्थ 1998 में उनकी भूमिका थी। पृथ्वी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, जैसे आलोचकों द्वारा रोजर एल्बर्ट, खान के दिल नवाज, आइस कैंडी मैन के चित्रण के लिए। 2000 के दशक के लिए उनकी पहली रिलीज मेला, जिसमें उन्होंने अपने भाई फैजल के साथ अभिनय किया, बॉक्स ऑफिस और महत्वपूर्ण बम दोनों थी। 2001 में उन्होंने अपना उत्पादन किया और में अभिनय किया लगान और के लिए नामांकन प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में 74वें अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे कई भारतीय पुरस्कार जीतने के अलावा फिल्म को कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी आलोचकों से प्रशंसा मिली। खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मारे पुरस्कार भी जीता। लगान की सफलता के बाद उस वर्ष बाद में दिल चाहता है यह फिल्म तत्कालीन नवोदित पर अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित थी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2001 का फिल्मारे क्रिटिक्स अवार्ड जीता। खान ने रीना दत्ता से तलाक के बाद बॉलीवुड से 4 साल का ब्रेक लिया। खान ने 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में मुख्य भूमिका के रूप में वापसी की, जिसे कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती 2006 में खान की पहली फिल्म थी। उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई नामांकन मिले। यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और इसे ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। हालांकि यह फिल्म ऑस्कर के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुने नहीं था, यह के लिए नामांकन प्राप्त बाफ्टा अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं के लिए पुरस्कार में बाफ्टा पुरस्कार इंग्लैंड में। खान की अगली फिल्म फना 2006 में उन्होंने एक कश्मीरी विद्रोही आतंकवादी की भूमिका निभाई। पृथ्वी के बाद उनकी दूसरी विद्रोही भूमिका में उन्हें कुछ अलग करने की रचनात्मक संभावनाएं प्राप्त की। उनकी 2007 की फिल्म तारे जमीन पर भी उनके द्वारा निर्मित थी और उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी जो फिल्म जो आमिर खान प्रोडक्शन की दूसरी रिलीज थी और आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्रतिक्रियाएं मिली। खान के प्रदर्शन को खूब सराहा गया, हालांकि उनके निर्देशन के लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया। खान को 2007 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, साथ ही परिवार कल्याण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म ने 2008 की जी सिने पुरस्कार और
फोर्वे अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड सहित अन्य पुरस्कार जीते। फिल्म को शुरू में 2009 के अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सराहा गया। 2009 में खान ने थ्री इडियट में रणछोड़ दास के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और गजनी द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उस समय चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल होने वाली थ्री इडियट्स कुछ भारतीय फिल्मों में से एक थी जिसने इसे विदेशी बाजारों में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई बना दिया। मई 2012 में यह आधिकारिक रूप से YouTube पर रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 10 स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 8 आईफा पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। प्रवासी एक ग्राउंड पुरस्कार जापान के पुरस्कार में जीता और के लिए नामांकित किया गया था। बेस्ट बकाया विदेशी भाषा फिल्म में जापान अकादमी पुरस्कार, चीन के पर सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। खान को भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार खोलने का श्रेय दिया जाता है। उनके पिता ताहिर हुसैन को पहले चीन में कारवा के साथ सफलता मिली थी, लेकिन बाद में भारतीय फिल्मों में गिरावट आई जब तक कि खान ने 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय फिल्मों के लिए चीनी बाजार नहीं खोला। लगान देश भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। जब चीन में थ्री इडियट्स रिलीज हुई तो आंशिक रूप से चीन की व्यापक समुद्री डाकू डीवीडी के कारण देश केवल 15वां सबसे बड़ा फिल्म बाजार था उस समय। वितरण जिसने फिल्म को अधिकांश चीनी दर्शकों के लिए पेश किया, देश के एक पंत हिट बन गया। चीनी फिल्म समीक्षा साइट डोबल पर रेटिंग के अनुसार यह चीन की अब तक की 12वीं पसंदीदा फिल्म बन गई, जिसमें केवल एक घरेलू चीनी फिल्म फेयरवेल माई कंसुबिन को उच्च स्थान मिला। नतीजन खान को एक बड़ा बढ़ता हुआ चीनी प्रशंसक प्राप्त हुआ। इडियट्स के वायरल होने के बाद उनकी कई अन्य फिल्में जैसे तारे जमी पर और गजनी ने भी एक पंथ का अनुसरण किया। 2013 तक चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद बन गया, जिसने खान की बॉक्स ऑफिस पर सफलता में योगदान दिया। धूम 3 2013, पी के 2014 और दंगल 2016। खान का कथित तौर पर निर्देशक रीमा का काजगी काजती के साथ उनकी 2012 की फिल्म तलाश को लेकर असहमति थी, जिसके कारण फिल्म की रिलीज में काफी देरी हुई। खान ने कहा कि दावेदार निराधार थे, यह फिल्म भारत और विदेशी बाजारों में हिट रही। खान का अगला उद्यम यशराज फिल्म्स के साथ धूम 3 था, जिसे उन्होंने अपने कैरियर की सबसे कठिन भूमिका माना। यह फिल्म 20 दिसंबर 2013 को दुनिया भर में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने रिलीज होने के 2 दिनों बाद धूम 3 को 2013 की सबसे बड़ी हिट घोषित किया। फिल्म ने 2 रुपए की कमाई की, 3 दिनों में दुनिया भर में बिलियन 2 बिलियन US में 28 मिलियन और 10 दिनों में दुनिया भर में 4 बिलियन की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 2014 में खान राजकुमार ईरानी की कॉमेडी ड्रामा पीके में नामांकित विदेशी के रूप में दिखाई दिए। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। खान के प्रदर्शन की सर्वसम्मति से तमिल प्रमुख अभिनेता विजय सहित आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई, जो आमिर की पूर्णता और समर्पण से प्रभावित थे और कथित तौर पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने परिवार के साथ फिल्म का आनंद लिया। रजत सेन ने फिल्म को जीत कहा और कहा, पीके में आमिर खान
असाधारण है। एक अनूठा नासमझ चरित्र बनाना और उसे पूर्ण विश्वास के रूप में निभाना। फिल्म ने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और जापान में टोक्यो सिंबुन द्वारा आयोजित 9वें टोक्यो समाचार पत्र फिल्म पुरस्कार समारोह में एक शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया। 2016 में खान ने दंगल में निर्माण किया और अभिनय किया और पहलवान महावीर सिंह फोगाट के रूप में लिया गया। उन्होंने 20 से 60 साल की उम्र में अलग अलग उम्र में उनकी भूमिका निभाई। युवा संस्करण खेलने के लिए वजन कम करने से पहले पुराने फोगाट को चित्रित करने के लिए उनका वजन 98 किलोग्राम था। फिल्मों को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह घरेलू स्तर पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म में रूप में उभरी। पीके को पछाड़ते हुए अपाची बार खान ने यह उपलब्धि हासिल की। दंगल भी चीन में एक विदेशी ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई, जहां यह अब तक की 16वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर हॉलीवुड विदेशी फिल्म। दुनिया भर में यह अब तक की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई और खान को एक गैर हॉलीवुड अभिनेता के लिए 42 मिलियन में उच्चतम वेतन में से एक दिया। चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी दंगल को 350 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। फिल्म ने उन्हें 2 और फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उनका तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। हांगकांग में फिल्म निर्माता स्टेनली टोंग के अनुसार खान को शुरू में जैकी चैन की ब्लॉकबस्टर कुंग फू योगा 2017 में एक भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि दंगल के साथ समय बंधन संघर्षों के कारण खान को अस्वीकार करना पड़ा। अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन सीक्रेट सुपरस्टार में सहायक भूमिका निभाई। नवंबर 2018 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्शन एडवेंचर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम किया। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। मार्च 2019 में अपने 54वें जन्मदिन पर खान ने पुष्टि की कि वह अगली बार लाल सिंह चड्ढा में दिखाई देंगे। परफेक्ट गप का एक रूपांतरण फिल्म में खान मुख्य भूमिका में होंगे और आदित्य चंदन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिन्होंने पहले सीक्रेट सुपरस्टार में खान को निर्देशित किया था। फिल्म अक्टूबर 2019 में उत्पादन में चली गई और फिर सितंबर 2020 में तुर्की में समाप्त थी और क्रिसमस 2020 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण क्रिसमस 2021 तक रिलीज के लिए स्थगित कर दी गई। खान ने हम है राही प्यार के लिए पटकथा और पटकथा का सह लेखन किया, जहां उन्होंने मुख्य भूमिका में अभिनय किया। खान ने 1999 में आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना के बाद एक निर्माता के रूप में काम करना शुरू किया, जिसमें लगान उनकी पहली फिल्म थी। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में 74वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, जिसके लिए यह भारत का अब तक का तीसरा नामांकित व्यक्ति बन गया। यह बोसनियाई फिल्म नो मैंस लैंड से पुरस्कार खो गया। लगान ने कई भारतीय पुरस्कार समारोह में जैसे फिल्म फेयर और आईफा में कई पुरस्कार जीते और जीता सबसे लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। खान और फिल्म ने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के बीच साझा किया गया यह एक पुरस्कार लगान के निर्माण पर चित्र मैडनेस इस द डेजर्ट के निर्माण के लिए खान और निर्देशक सत्यजीत भटकल को 91वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण सहायक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खान ने रंग दे बसंती 2006 का चरमोत्कर्ष लिखा,
जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। 2007 में उन्होंने तारे जमीन पर का निर्देशन और निर्माण किया, जिनके उनके निर्देशन की शुरुआत की। खान ने फिल्म में सहायक भूमिका भी निभाई। फिल्म की कल्पना और विकास अमोल गुप्ते और दीपा भाटिया ने किया। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तारे जमीन पर ने 2008 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और साथ ही कई अन्य फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन पुरस्कार जीते। खान के काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिलाया। 2008 में उनके भतीजे इमरान खान ने फिल्म जाने तू या ना जाने से डेब्यू किया। उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म भारत में एक बड़ी हिट थी और फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए खान को एक और नामांकन मिला। उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी का सहलेखन भी किया, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। खान ने 2005 की मूल तमिल फिल्म में बदलाव किए और चरमोत्कर्ष को फिर से लिखा। 2010 में उन्होंने पीपली लाइव रिलीज की, जिसे 83वें अकादमी पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 2011 में खान ने राव द्वारा निर्देशित एक आर्ट हाउस फिल्म अपना होम प्रोडक्शन धोबी घाट रिलीज किया। उसी वर्ष खान ने यू टीवी मोशन पिक्चर्स के साथ अंग्रेजी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म डेल्टी बेली का सह निर्माण किया। यह फिल्म आलोचकों की प्रशंसा के लिए खुली और 550 मिलियन यूएस में 7.7 मिलियन से अधिक के घरेलू राजस्व के साथ एक व्यावसायिक सफलता थी। 2012 में खान ने रीमा कागती की नियो नियोर मिस्ट्री फिल्म तलाश में अभिनय किया, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट का संयुक्त प्रोडक्शन था और आमिर खान प्रोडक्शन। फिल्म को भारत में सेमी हिट घोषित किया गया और इसे दुनिया भर में 1.74 मिलियन और यूएस में 24 मिलियन की कमाई की। खान, जिन्होंने 1973 में पहली मसाला फिल्म यादों की बारात में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और 21वीं सदी की शुरुआत में सिनेमा के अपने अलग ब्रांड के साथ मसाला फिल्म को फिर से परिभाषित और आधुनिक बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी फिल्में व्यावसायिक मसाला फिल्मों यथार्थवादी समांतर सिनेमा के बीच अंतर को धुंधला करती है और पूर्व के मनोरंजन और उत्पादन मूल्यों को बाद में विश्वसनीय आख्यानों और मजबूत संदेशों के साथ जोड़ती है। भारत और विदेश में व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा दोनों अर्जित करती है। उनका सबसे सफल प्रोडक्शन दंगल रहा, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और फिल्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर 2000 वर्तमान पुनरुत्थान और वैश्विक सफलता का अनुभाग देखें। उनका अगला प्रोडक्शन सिगरेट सुपरस्टार था, जो अपने सीमित बजट के अनुपात में अब तक की सबसे अधिक लाभदायक फिल्मों में से एक बन गई। चीन में सिगरेट सुपरस्टार ने दंगल के एक भारतीय फिल्म द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शुरुआती सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चीन में एक सुपरस्टार के रूप में खान की स्थिति को मजबूत किया और चीनी बॉक्स ऑफिस ने राजा के रूप में सीक्रेट सुपरस्टार अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और विदेशों में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। केवल पीछे दंगल उनकी फिल्मों में चीन बाजार में हॉलीवुड को गंभीर प्रतिस्पर्धा देने के साथ दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों की सफलता ने चीनी वितरकों के लिए भारतीय फिल्मी आयात की खरीद कीमतों को बढ़ा दिया। के साथ गुप्त सुपरस्टार खान में चार फिल्मों के साथ ही भारतीय अभिनेता बन गया। 500 करोड़ क्लब के बाद धूम 3, पीके और दंगल और साथ ही एक साथ ही भारतीय अभिनेता पीके और दंगल के बाद 3 और 100 मिलियन की कमाई। गुप्त सुपरस्टार के साथ की कमाई 900 करोड़ के बजट में अमेरिकी 130 मिलियन, दुनिया भर में 15 करोड़ और
और यस में 2.1 मिलियन। सीक्रेट सुपरस्टार के लिए चीनी बॉक्स ऑफिस से खान की कमाई 190 करोड़ यूएस में 27 मिलियन होने का अनुमान है, जो किसी भी अन्य भारतीय अभिनेता निर्माता ने किसी फिल्म से अर्जित की है। फिल्म 346.5 डॉलर करने के लिए आमिर खान की चीनी बॉक्स ऑफिस की कुल बढ़ गया है मिलियन। अगस्त 2011 के आसपास खान ने द ओपरा विनफ्रे को शो के सामान एक टॉक शो की मेजबानी करने के लिए सिद्धार्थ बसु की बिग सनर्जी के साथ बातचीत की। खान ने 6 मई 2012 को अपने टॉक शो सत्यमेव जयते के साथ टेलीविजन की शुरुआत की, जो सामाजिक मुद्दों को निपटाता था। खान को होस्ट करने के लिए प्रति एपिसोड 30 मिलियन जून 2012 तक उन्हें भारतीय टेलीविजन उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला होस्ट बना दिया। रेडियो पर खान ने कहा कि जनता की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को देखते हुए वह शो के दूसरे सीजन के साथ आएंगे। यह शो स्टार प्लस, स्टार वर्ल्ड और राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन पर एक साथ 8 भाषाओं में रविवार सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ, जो भारत में एक ऐसा करने वाला पहला शो था। सत्यमेव जयते को सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया घरानों, डॉक्टरों और फिल्म और टेलीविजन हस्तियों से सकारात्मक समीक्षा और प्रतिक्रिया मिली। खान को उनके प्रयास के लिए भी सराहा गया। अपनी समीक्षा में IBN Live की रितु सिंह ने कहा, आमिर खान इस तरह के एक संवेदनशील मुद्दे को उठाने और उन्हें जोरदार तरीके से पेश करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आमिर और उनकी टीम ने शो में जितना शोध किया है वह था प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुद्दों के हर पहलू को बहुत परिश्रम से कवर किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की परमिता उनियाल ने सामग्री की प्रशंसा की और खान ने वह करने के लिए कदम ING जो पत्रकारों को करना चाहिए एक फर्क पड़ता है। यह सो एक इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रारंभिक प्रचार और चैनल की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में लेबल किए जाने के बावजूद शुरुआती दर्शकों की संख्या बहुत उत्साहजनक नहीं थी। इस शो को 6 मई और अपने पहले एपिसोड में 6 महानगरों में 2.9 की औसत टेलीविजन रेटिंग 14.4 मिलियन के नमूने के आकार के साथ इसे केवल 20% टीवी दर्शकों द्वारा देखा गया प्राप्त हुआ। रेटिंग उस समय के अधिकांश अन्य सेलिब्रिटी होस्ट किए गए शो की तुलना में कम थी। शो के लिए रेटिंग ने अंत उठाया और एक बहुत सफल रहा। सत्यमेव जयते के पहले सीजन में 165 देशों से अब तक 1 अरब से अधिक डिजिटल इंप्रेशन प्राप्त किए। सत्यमेव जयते के दूसरे सीजन ने भारत में 600 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। शो में चर्चा के लिए किए गए मुद्दों के राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। संसद में कई पर चर्चा की गई और राजनेता और सांसदों को कार्रवाई करने के लिए प्रभावित किया गया। उदाहरण के लिए अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का रेय करने के लिए, अवैध अभ्यास को रोकने के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के से आग्रह किया कि कन्या भ्रूण हत्या के पहले एपिसोड के बाद खान ने इस मुद्दे पर गहलोत से मुलाकात की, जिन्होंने शो में दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन के मामले से निपटने के लिए अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के अनुरोध को स्वीकार किया। दूसरे एपिसोड के बाद बच्चों के लिए हेल्पलाइन पर देश भर में बाल शोषण की सूचना देने वाले कॉलों की संख्या में वृद्धि हुई। 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानून लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के साथ एक वास्तविकता बन गया। एक अन्य प्रकरण में चिकित्सा कदाचार को उजागर करने के बाद खान भारतीय संसद में आमंत्रित होने वाले पहले गैर सांसद बने, जहां उन्होंने
और उनकी रचनात्मक टीम ने इस विषय पर शोध प्रस्तुत किया और चिकित्सा बिरादरी से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। खान ने अन्य टीवी शो में कई प्रदर्शन किए हैं। अक्टूबर 2013 में खान अपनी फिल्म धूम 3 के प्रचार के लिए कौन बनेगा करोड़पति शो में एक अतिथि सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए। 2016 की शुरुआत में असहिष्णुता विवाद के बाद उन्होंने आपकी अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने अपनी टिप्पणियों और विचारों को स्पष्ट किया। 2017 में वह सत्यमेव जयते के साथ दंगल पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए द स्नेक चार्मर नामक अल जजीरा वृत्तचित्र श्रृंखला गवाह के एक एपिसोड का विषय था। 2009 में के एक साक्षात्कार में खान ने कहा कि वह फिल्म निर्माण की दुनिया के लिए एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, यह देखते हुए कि वह अलग अलग चीजें नहीं करते। मैं इस एक अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उनका अनुसरण करना चाहिए। सपने देखते हैं और कोशिश करते हैं और इसकी व्यावहारिकता के आधार पर इसे हासिल करने की क्षमता पैदा करना संभव बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अंतिम परिणाम की तुलना में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में अधिक रुचि रखते हैं। मेरे लिए प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक आनंददायक है। मैं पहले चरण से ही प्रक्रिया पर अपना पूरा ध्यान रखना चाहता हूँ। खान की प्रतिष्ठा पुरस्कार समारोह से बचने और किसी भी लोकप्रिय भारतीय फिल्म पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने के लिए है। हालांकि उन्हें कई बार नामांकित किया गया, खान ने किसी भी भारतीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लिया और कहा कि भारतीय फिल्म पुरस्कारों में विश्वसनीयता की कमी है। लोकप्रिय भारतीय फिल्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया और प्रामाणिकता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, यह तथ्य है कि मुझे फिल्म पुरस्कारों से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी विशेष फिल्म पुरस्कार को महत्व नहीं देता तो मैं जीत गया, इसमें भी शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अलावा मुझे कोई अन्य पुरस्कार समारोह नहीं दिख रहा है जिसे मुझे महत्व देना चाहिए। इन पुरस्कारों समारोह के बारे में मेरा व्यक्तित्व अनुभव है कि यह मुझे उन पर भरोसा नहीं है, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है, उन्हें इसलिए मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। 2007 में खान को लंदन में मैडम तुसाद में प्रदर्शित करने के लिए खुद की एक मोम की नकल के लिए आमंत्रित किया गया था। खान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लोग मेरी फिल्में देखे अगर वे चाहते हैं, साथ ही मैं इतनी सारी चीजों से निपट नहीं सकता, मेरे पास केवल इतना ही बैंडविड्थ है। खान ने कोका कोला, गोदरेज, टाइटन वॉच, टाटा स्काई, टोयोटा इनोवा, सैमसंग, मोनाको बिस्कुट और स्नैपडील। अप्रैल 2013 में वह टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल थे। खान को सितंबर 2012 के अंक में टाइम के एशिया संस्करण के कवर पर खान के शीर्षक के साथ चित्रित किया गया था। वह भारत की सामाजिक बुराइयों से निपटकर बॉलीवुड के सांचे को तोड़ रही है। क्या एक अभिनेता एक राष्ट्र को बदल सकता है? भारत में अत्यधिक लोकप्रिय होने के अलावा वह विदेशों में भी अत्यधिक लोकप्रिय है, विशेष रूप से चीन में। दूसरा सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। यह चीनी सोशल मीडिया साइट सिना वेबो पर भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नागरिक है। नरेंद्र मोदी खान तुर्की में भी लोकप्रिय है, हांगकांग और सिंगापुर कई अन्य देशों में। फरवरी 2015 में खान ने अपने सेलिब्रिटी रोस्ट एपिसोड के लिए एक लोकप्रिय ऑनलाइन कॉमेडी समूह ऑल इंडिया बकचोद पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता हूँ, कोई मुद्दा नहीं, लेकिन
हमें यह समझना होगा कि हम सभी की एक निश्चित जिम्मेदारी है। जब मैंने सुना कि मुझे क्या बताया जा रहा है, तो मुझे लगा कि यह एक हिंसक घटना है। उन्होंने कहा कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि इसके मौखिक पहलू भी है। उन्होंने रोस्ट को एक बेशरम हरकत कहा, और यहाँ तक कि फिल्म उद्योग में अपने दोस्तों करण, रणवीर और अर्जुन को भी बुलाया। मैं भारतीय मीडिया पर वह अक्षर के रूप में श्री पूर्णतावादी अपने काम करने के लिए, अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। मैं चीनी मीडिया वह अक्षर करने के लिए एक भारत के राष्ट्रीय खजाने या भारत की अंतरात्मा के रूप में अपने काम के विभिन्न सामाजिक मुद्दों की व्यापक है से निपटने की बहुत की वजह से जाना जाता है। भारतीय समाज इसमें से कुछ चीनी समाज के लिए भी प्रशंसित है। जिस तरह से घरेलू चीनी फिल्में अक्सर चित्रित नहीं करती हैं, तारे जमीन पर, थ्री इडियट और दंगल जैसी फिल्मों के साथ साथ उनके टेलीविजन शो सत्यमेव जयते जैसे फिल्मों के साथ साथ उनके काम को चीन में बहुत सराहा जाता है। डोबन पर उच्चतम रेटेड प्रस्तुतियों में से कुछ चीन ने खान को गुणवत्तापूर्ण सिनेमा से जुड़े होने और सामाजिक कारणों के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए जाना जाता है, जो उन्हें अक्सर एक सक्रिय अभिनेता जो उन्हें एक सक्रिय अभिनेता के रूप में देखा जाता है। पहले चीनी मीडिया उन्हें आइडियाज एंडी लाओ के रूप में संदर्भित करता था, लेकिन जैसे जैसे खान मुख्यधारा के चीनी दर्शकों के साथ अधिक परिचित होते गए, युवा प्रशंसकों ने अक्सर उन्हें उपनाम अधिक परिचित होते गए युवा प्रशंसकों अक्सर उन्हें उपमान, अंकल अमीर या मिसू वह चीन के एक घरेलू नाम बन गया। वह जहाँ वह वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध भारतीय है, उनकी किताब आई विल डू इव माई वे आमतौर पर पूरे चीन में किताबों की दुकानों में पाई जाती है, जबकि चीनी खुदरा विक्रेता अंकल अमीर स्मार्टफोन के मामलों से लेकर धूम थ्री स्टाइल ब्लैक हेड्स तक के माल भेजते हैं। चीन में उनके प्रभाव ने बुद्ध बंगाली लेखक रविंद्रनाथ टैगोर और अभिनेता राज कपूर और नरगिस सहित देश में पिछले भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ तुलना की है। 2006 में आमिर खान ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ अपने कार्यों में कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गुजरात में अपनी फिल्म फना का प्रचार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नर्मदा बांध को संभालने और विस्थापित ग्रामीणों के पूर्ण विश्वास की आवश्यकता के बारे में कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों पर भाजपा ने नाराजगी जताई। गुजरात सरकार ने खान से माफी की मांग की। उन्होंने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मैं ठीक वही कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने केवल गरीब किसानों के पुनर्वास के लिए कहा। मैंने बांध के निर्माण के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगूंगा। पूरे गुजरात राज्य में फना पर एक औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिल्म और खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में, जिसमें उनके जलते हुए पोस्टर भी शामिल थे। नतीजन कई मल्टीप्लेक्स मालिकों ने कहा कि वे ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, और गुजरात के सभी थिएटर मालिकों ने फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि पिछले 6 से 8 महीनों में निराशा की भावना बढ़ रही है। जब मैं घर पर किरण से बात करता हूँ, तो वह कहती है कि क्या हमें भारत से बाहर जाना चाहिए? क्या
किरण के लिए यह एक विनाशकारी और बड़ा बयान है। उसे अपने बच्चे के लिए डर है, उसे डर है कि हमारे आसपास का माहौल क्या होगा। वह हर दिन अखबार खोलने से डरती है। नवंबर 2015 में खान ने भारत में राजनीतिक घटनाओं के जवाब में द इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा आयोजित नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भारत में बढ़ती असहनता के बारे में भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें मुसलमानों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ हिंसक मामले शामिल थे और देश की सत्तारूढ़ी भाजपा मोदी सरकार की ओर से तेज या कड़ी निंदा का अभाव। खान ने टिप्पणी की कि राव ने अपने परिवार के लिए डरते हुए भारत से बाहर जाने का सुझाव दिया। उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, जिसे भारतीय मीडिया में असहनता पंक्ति कहा जाता है, और सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर दी। खान को उनकी टिप्पणियों के लिए तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। समाज के कुछ वर्गों ने उन्हें राष्ट्र विद्रोही करार दिया, जबकि अन्य ने उनकी चिंताओं के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की और उनका समर्थन किया। एक हिंदू पत्नी के साथ एक भारतीय मुसलमान खान के खिलाफ अधिकांश प्रतिक्रिया हिंदू राष्ट्रवादी समूहों से आई थी। दूर दराज राजनीतिक दल शिवसेना ने खान के बयान की तीखी आलोचना की, इसे विश्वासघात की भाषा करार दिया, और भाजपा ने इस घटना को नैतिक अपराध करार दिया। विवाद के मद्देनजर शिवसेना द्वारा लुधियाना में पोस्टर जलाए गए। पंजाब के शिवसेना प्रमुख राजीव टंडन ने भी हिंसक धमकी देते हुए 1 लाख की पेशकश की। खान को थप्पड़ मारने वाले को इनाम, नतीजन खानों को अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा दी गई। खान ने प्रतिक्रिया और धमकियों का जवाब देते हुए कहा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप केवल मेरी बात को साबित कर रहे हैं। प्रतिक्रिया के जवाब में खान को कई मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन मिला, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ममता बनर्जी शामिल है। राजकुमार हिरानी, कबीर खान, फराह खान, AR रहमान और प्रियंका चोपड़ा। दूसरी ओर कुछ लोगों ने असहमता के बारे में खान की टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, रवीना टंडन और विवेक ओबरॉय शामिल हैं। खान ने बाद में कहा कि वह देश नहीं छोड़ रहे हैं। खान और राव के खिलाफ जौनपुर में SGM द्वितीय अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था। खान को सरकार के अधिकारी अतुल्य भारत पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हटा दिया गया। एक कंपनी जिसका खान समर्थन कर रहा था, स्नैपडील, खान के साथ जुड़े होने के लिए उन्हें आलोचकों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। इसके पहले कि कंपनी ने उन्हें उनकी टिप्पणियों के लिए खुद को दूर कर दिया। खान के बाद में जनवरी 2016 में अपनी टिप्पणियों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत असहनता था या उन्होंने देश छोड़ने के बारे में सोचा। यह कहते हुए कि वह भारत में पैदा हुए थे और भारत में ही मरेंगे, उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर किया गया और इसके लिए कुछ हद तक मीडिया जिम्मेदार है। इसके बावजूद दंगल के खिलाफ विरोध और बहिष्कार के आह्वान के साथ उन्हें वर्ष के अंत तक लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म के खिलाफ विरोध का आह्वान किया। दिसंबर 2016 में रिलीज होने के बाद ट्विटर पर ट्रेड करना लगा और वाजपेयी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय फिल्म के विरोध का आह्वान किया। फिल्म के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद दंगल एक बड़ी हिट साबित हुई, जिसने भारत में 500 करोड़ US में 70 मिलियन से अधिक की कमाई की। खान ने 18 अप्रैल 1986 में रीना दत्ता से शादी की, जिनका कयामत से कयामत तक में एक छोटा सा हिस्सा था। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा जुनेद और एक बेटी ईरा। दत्ता
खान के कैरियर के कुछ समय के लिए शामिल थी जब उन्होंने लगान के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया। दिसंबर 2002 में खान ने तलाक के लिए अर्जी दी और दत्ता ने दोनों बच्चों की कस्टडी ली। 28 दिसंबर 2005 को खान ने किरण राव से शादी की, जो लगान के सेट पर गोवारिकर के सहायक निर्देशक थे। 5 दिसंबर 2011 को उन्होंने एक सरोगेट माँ के माध्यम से एक बेटे आजाद राव खान के जन्म की घोषणा की। 2007 में खान अपने छोटे भाई फैजल के लिए अपने पिता ताहिर हुसैन के लिए हिरासत की लड़ाई हार गए, जिनकी 2 फरवरी 2010 को मृत्यु हो गई। जुलाई 2021 में युगल ने अलग होने की घोषणा की और बताया कि वे अपने बेटे आजाद को सह माता पिता के रूप में पालेंगे। एक ऐसा अभ्यास करने वाले मुस्लिम के रूप में खान ने अपनी माँ जीनत के साथ हज मक्का सऊदी अरब के लिए एक वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा और मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य 2013 में काम किया। उनकी पत्नी राव एक हिंदू है। मार्च 2015 में खान ने कहा कि उसने मांसाहारी भोजन छोड़ दिया और उसे प्रेरित होकर शाकाहारी जीवन शैली अपनाए। पूर्णकालिक अभिनय कैरियर बनने से पहले खान एक शौकीन टेनिस खिलाड़ी थे। उन्होंने 1980 के दशक में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पेशेवर रूप से खेला और पूर्णकालिक अभिनय कैरियर में प्रवेश करने से पहले राज्य स्तरीय टीम टेनिस चैंपियन बन गए। 2014 में खान ने इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग के लिए एक प्रदर्शनी मैच में भाग लिया, जिसमें ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ साथ सानिया मिर्जा के साथ युगल देखे जा रहे थे। आमिर खान बाबा साहेब अम्बेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर निडर थे। उन्होंने प्रेम और मानवता का प्रचार किया। उन्होंने लोगों से प्यार किया और उन्हें मानवता का विचार दिया। बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी, वे निडर थे। इसलिए आज मुझे मुश्किलें हैं, समस्या है या स्थिति खराब है, मुझे बाबा साहब याद आते हैं। यही मुझे उनसे प्रेरणा क्यों मिलती है, इसलिए बाबा साहब मेरे आदर्श है, आमिर खान ने कहा। खान ने बच्चों ने भी मनोरंजन उद्योग में कदम रखा और सितंबर 2019 में इरा सामाजिक मीडिया पर घोषणा की कि वह एक नाटकीय उत्पादन निर्देशन करेगा। उसका पहला का एक संस्करण वयोवृद्ध अभिनेत्री सारिका कमल हसन की पूर्व पत्नी और उनकी बेटी अक्षरा हसन मैंने नाटक का निर्माण किया और खान की बहन फरहत दत्ता ने इसके प्रचार के लिए एक पोस्टर चित्रित किया। खान ने 9 जीते फिल्म फेयर पुरस्कार, 32 नामांकन में से सहित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए राजा हिंदुस्तानी, लगान और दंगल, रंग दे बसंती के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार, लगान तारे जमीन पर और दंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और तारे जमीन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। उन्होंने 4 फिल्म पुरस्कार भी जीते, एक अभिनेता के रूप में कयामत से कयामत तक और राक 1989 और लगान मैड्स नेस इन द डेजर्स 2004 के निर्माता के रूप में और तारे जमीन पर के लिए निर्देशक और निर्माता के रूप में। प्रवासी लगान एक अर्जित ऑस्कर के लिए नामांकित सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में 74वें अकादमी पुरस्कार में 2002 खान बाद में बाद की हानि पर टिप्पणी की। लगान ऑस्कर में निश्चित रूप से हम निराश थे, लेकिन बात वास्तव में रखा है, हमारे हौसले में यह था कि
पूरा देश हमारे पीछे था। ऑस्कर नामांकन के अलावा लगान को सर्वश्रेष्ठ गैर यूरोपियन फिल्म के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार का नामांकन मिला और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते, जिसमें शामिल है बर्गन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लीडर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेटफ्लिक्स फेस्टिवल और पोर्टलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तारे जमी पर भी ऑस्कर के लिए भारत की अधीनता थी, लेकिन उसे नामांकन नहीं मिला। एक और खान प्रोडक्शन पीपली लाइव 2010 ऑस्कर के लिए मिशन था, जबकि धोबी घाट 2011 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा अवार्ड नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हालांकि दोनों में से किसी एक को नामांकित नहीं किया गया। 2017 में दंगल ने खान को ऑस्ट्रेलिया के 7वें एक्ट अवार्ड में उद्घाटन सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म, साथ साथ मूवी ऑफ द ईयर और चीन के डोबन फिल्म अवार्ड से शीर्ष विदेशी अभिनेता जीता। और यह था 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए एक पुरस्कार नामांकित व्यक्ति। खान सहित मानद पुरस्कार से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने पद्मश्री 2003 और पद्मभूषण 2010 में और डायरेक्टर डायरेक्टर की मानक उपाधि से मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय भारतीय को अपने प्रतिष्ठित योगदान के लिए सिनेमा और मनोरंजन उद्योग 2011 में उन्होंने 2008 के बाद से 3 बार उनके प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जूरी के सदस्य बनने के लिए बर्लिन फिल्म महोत्सव में निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। 2012 में टाइम्स ऑफ 100 की सबसे अधिक सूची में शामिल हुए। दुनिया में प्रभावशाली लोग 2017 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने खान को सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया और चीन सरकार ने भारत राष्ट्रीय खजाना के लिए पुरस्कार मिला। कई पुरस्कार और सम्मान जीतने के बावजूद आमिर खान भारतीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भाग लेने या पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार करने के लिए जाने जाते हैं। इसने कभी कभी विवाद को जन्म दिया, विशेष रूप से 2017 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, जहां खान को दंगल में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से हटा दिया गया था। समिति के सदस्य प्रियदर्शन ने समझाया कि पुरस्कार समारोह में शामिल होने से इनकार करने के कारण वे उन्हें पुरस्कार नहीं देना चाहते थे। भारतीय पुरस्कार समारोह से बचने के बावजूद उन्होंने 2002 में अकादमी पुरस्कारों के लिए एक अपवाद बनाया। उनका तर्क यह था कि उन्होंने इसे अपनी फिल्म लगान के लिए एक अवसर के रूप में देखा, व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन खुद पुरस्कार के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते। और अब बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की। आमिर खान एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। खान की पहली बार 8 साल की उम्र में अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात 1973 में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। 1983 में उन्होंने आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म व्योम में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने हुसैन को उनके दो निर्देशकीय उपक्रमों मंजिल मंजिल और जबरदस्त में एक वृक्ष के रूप में खान की पहली अभिनय परियोजना 1984 की प्रयुक्त सामाजिक नाटक होली में संचित है। बेहद सफल ट्रेजिक रोमांस कयामत से कयामत तक आमिर खान की पहली प्रमुख भूमिका जूही चावला के साथ आई फिल्म और रॉक थ्रिलर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार विशेष उल्लेख
अर्जित किया। उन्होंने 1990 के दशक में कई आवश्यक फिल्मों में के साथ खुद को स्थापित किया, जिसमें रोमांटिक ड्रामा दिल, कॉमेडी ड्रामा हमेराई प्यार के और रोमांस फिल्म राजा हिंदुस्तानी। उन्होंने यह भी खिलाफ खेले प्रकाश में दीपा मेहता, सह निर्माण पृथ्वी। 1999 में खान ने एक प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान का प्रोडक्शन लॉन्च की, जिसकी पहली रिलीज लगान थी, जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए एक अकादमी पुरस्कार और नामांकित किया गया था। खान और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म नामांकित लोकप्रिय फिल्म 2001 में उन्होंने सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के साथ प्रशंसित नाटक दिल चाहता है। लगान और दिल चाहता है को मीडिया में हिंदी सिनेमा में परिभाषित फिल्मों के रूप में उद्घाटित किया जाता है। 4 साल के अंतराल के बाद मंगल पांडे द राइजिंग से में नामांकित मुख्य भूमिका निभाई, एक पीरियड फिल्म जो जिसे बॉक्स ऑफिस और खराब प्रदर्शन किया, जिसमें के बाद उन्होंने शीर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। 2016 की कमाई करने वाली फिल्म फना और रंग दे बसंती, 2007 ने तारे जमीन पर से अपने निर्देशक की शुरुआत की, दरअसल साफल्यूर डिस्केस किया पर नाटक, जिसमें खान ने भी सहायक भूमिका निभाई। फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैश्विक सफलता साबित हुई। उनके परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। खान ने 2008 की थ्रिलर गजनी में एंट्रोग्रेड भूलने की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी ड्रामा थ्री इडियट्स में इंजन छात्र की भूमिका निभाई और धोबी घाट में एक समावेदी कलाकार जिसे उन्हें निर्मित किया। आगे की सफलता तब मिली जब उन्होंने साहसिक फिल्म धूम 3 में एक प्रति पक्षी की भूमिका निभाई और 7.4 बिलियन और पीके में टाइटैनिक एलियन के रूप में अभिनय किया। 2016 में खान को युवा महिला पहलवानों के पिता भाई खेल में खेला दंगल, जो अधिक कमाई की 20 अरब। खान के पास फिल्म गजनी, थ्री इडियट्स, धूम, पीके और दंगल ने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया। फिल्मों में अभिनय के अलावा खान ने टेलीविजन टॉक शो सत्यमेव जयते के मेजबान के रूप में विचित्र और चित्रित किया। जब भी चूम लेता हूँ 2003 में, रूप कुमार राठौड़, अशोक मेहरा, प्यार का जश्न एल्बम, मिले सुर मेरा तुम्हारा 2010 में। खान ने फिल्म में महेंद्र सिंधु के चरित्र का युवा संस्करण निभाया। खान ने एक चरित्र निभाया जो फिल्म में प्रदर्शित एक विचित्र चंद्रशेखर आजाद को चित्रित करता है। खान ने एक ऐसा किरदार निभाया जो फिल्म में किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करता है। खान ने फिल्म को दोहरी भूमिकाएं निभाई। खान ने निफ्किन के ताहिर के चरित्र के छोटे संस्करण में भूमिका ने निभाई। सत्यमेव जयते 2012, 14, मेजबान वैश्यम सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3, CID 2012, सुरजन सिंह, शेखावटी, बीपी सिंह, लाल सूटकेस, हत्याएं, तूफान आलिया 2017, अतिथि वैश्यम सीजन 1, सीजन 2, रूबरू रोशनी 2019, कथावाचक स्वाति चक्रवर्ती, दस्तावेजी, साथ साथ ही निर्माता भी। 1989 राखी, आमिर हुसैन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उल्लेख विशेष उल्लेख कायम से कायम तक के लिए नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, प्यार प्यार प्यार, अमित अव्वल नंबर, धूपदार, तुम मेरे हो, शिव, दीवाना मुझसा नहीं, अजय शर्मा जवानी जिंदाबाद, शशि शर्मा अफसाना प्यार का राज, दिल है के मानता नहीं, रघु जेटली, इसी का नाम जिंदगी, छोटू, दौलत की जंग, राजेश,
चौधरी, जो जीता वही सिकंदर, संजय लाल शर्मा नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, ब्रेकिंग अवे पर आधारित पहला नशा, वैश्यम, कैमरे उपस्थिति, परंपरा, रणवीर, पृथ्वी सिंह, दामनी, वैश्यम, कैमरे उपस्थिति, हमें रही प्यार के पटकथा लेखक राहुल मल्होत्रा नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, अंदाज अपना अपना अमर मनोहर नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए।